उन्होंने बताया कि और हम सबको मालूम है कि ये संस्था विश्व शांति के लिए विश्व में जो प्रचार प्रसार चल रहा है निश्चित रूप से एक अद्भुत है ऐसा हम कह सकते हैं। और इसीलिए मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे गांव में जितना भी कष्ट है, कष्ट अपने कारण से ही है, अपनी आत्मा के कारण है, हम समझ नहीं पाते, इसलिए जो कष्ट मिलता है वो कष्ट दूर हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा और बिहार क्षेत्रों में जा कर सकते हैं कि गांव में भी प्रचार प्रसार हो तो निश्चित रूप से जन कल्याण संभव है, ऐसा मैं मानता हूँ। निश्चित तौर पर आज मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ ऐसे स्थान पर आने का सौभाग्य मिलता है। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं परमात्मा अपने बच्चों को याद कर लेता है। जिस शांति या मन के लिए व्यक्ति जिंदगी भर प्रयास करता है और उसे सच्चा सतगुरु नहीं मिल पाता और वो भटकता रहता है, निश्चित ही ब्रह्म पिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय एक ऐसी संस्था है जो हिंदुस्तान के समस्त नागरिकों को बताना चाहती है कि आप विश्व के ऐसे देश के संतान हो जिसका विश्व में अध्यात्म के रूप में प्रथम नंबर आता है। इतने बड़े लंबे समय तक चलने वाले एक अद्भुत विश्व मंगल आध्यात्मिक मेले का आयोजन इस संस्थान के द्वारा किया जा रहा है। मैं इस मेले के संपूर्ण सफलता के लिए श्री बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे कोरबा वासियों को इस मेले का पूरा पूरा लाभ मिलेगा। और इस मेले के आयोजन में जो कंटेंट्स रखे गए हैं, इस मेले में क्या क्या लगेगा, जैसे टीचक है, उधर स्वर्ग का है, हेल्थ पर है और भारत माता, अभी रोज अभी पूरा सेट भी नहीं हुआ सर, विद्यमान अभी कुछ और अभी सेट होना ही है कल। तो मैं समझता हूँ कि इतने ताजे जो आयोजन के अवयव हैं ये हम सब के लिए कोरबा वासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात है जो पंडित पिता ब्रह्म कुमारेश्वरी विश्वविद्यालय संस्थान के द्वारा ये यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। दीदी ने बताया कि श्री बाबा का बच्चा हूँ तो मैं समझता हूँ कि सभी माता और जो भी बहनें हैं, मैं सबसे छोटा श्री बाबा का बच्चा हूँ, अभी 3 ही महीना का नवजात शिशु हूँ, तो इसलिए नवजात शिशु चली दुलारा भी होता है। बहुत सुंदर विश्व मंगल आध्यात्मिक मेला अर्थात 9 चैतन्य देवियों की झांकी और 3 लोक अर्थात हम आत्माएं इस धरा पर कहां से आई, कैसे आई और हमें कहां जाना है, इसका बहुत सुंदर साइंस ढंग से बहुत सुंदर तरीके से समझाया जाएगा। और 40 फीट ऊंचा शिवलिंग और तीसरा ये हमारा भारत देश कैसा था और अब ये हमारा भारत देश कैसा हो गया और फिर से वो परमात्मा निराकार शिव
प्रजापिता ब्रह्मा के तन के द्वारा अर्थात उसके माध्यम के द्वारा कैसे नौ चैतन्य देवियों के द्वारा इस भारत को फिर से वही स्वर्ग बनाने का गुप्त रूप में कार्य कर रहे हैं। तो ये आध्यात्मिक ऊर्जा पार्क में जो मेला लगा है, मंगल मिलन मेला, अर्थात यहाँ सारे विश्व की आत्माएं जो भी उस परमात्मा से दूर हैं, उसके परिचय से अनभिज्ञ हैं, इस मेले में आकर के वो आत्माएं उस परमात्मा से अपना सच्चा मिलन मनाएंगे, अर्थात मेला मनाएंगे। तो मेले में जाते हैं तो मिलना जुलना भी होता है, कुछ खरीद के भी ले आते हैं और कुछ खाने पीने का भी सामान होता है। तो ये वो मेला है जो आत्मा परमात्मा से मिलन कराएगा। तो मुझे आज बहुत खुशी है कि आज हमारे बड़े भाई कहें, हम उनकी छोटी बहनें हैं, जो उन्होंने ही इतना सहयोग दे करके इस मेले की तैयारी कराई, अर्थात शिव बाबा के कार्य में किसी ने अपने तन से हाथ बटाया, किसी ने मन से बटाया, और किसी ने समय से बटाया, और किसी ने अपने धन से बटाया। तो इस मेले में चारों प्रकार से जिसने भी सहयोग दिया है उसको बाबा हजार गुना उसका रिटर्न अवश्य देगा, ये हमें बहुत विश्वास है, अनुभव है और निश्चय है। तो ये मंगल मिलन मेला अर्थात सारे विश्व को सुख शांति प्रदान करेगा, यही मेरी शुभ भावना है और कामना है। और कोरबा निवासियों के लिए, कोरबा में पहली बार और ये लास्ट बार, आगे जाने क्या परिस्थितियां आती हैं तो हम कहेंगे कोरबा में पहली बार ही ऐसा मेला लगा है जो कोरबा वासियों के लिए बहुत बहुत आनंदमय देने वाला, सुख शांति प्रेम से भरपूर करने वाला ये मेला है। ओम शांति।